नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेर और आज मैं आपको OnePlus 60 और Samsung Galaxy A9 का कैमरा कंपैरिजन दिखाने वाला हूं। और ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये दोनों फोन्स के रेयर कैमरा से शूट किए गए हैं। कैसे शूट किया गया उसके बारे में बता दूं कि इन फोन्स के पीछे मेरा क्लीग है जो कि इन वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, तो कन्फ्यूज़ मत हुईगा कि ये हम रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं। और इस वीडियो के दौरान मैंने दोनों फोन्स के ऑडियो में भी जंबल किया है ताकि आपको इन दोनों फोन्स की ऑडियो क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो जाएगा। फिलहाल मैं अभी कैमरा की क्वालिटी को देख नहीं सकता, तो यहाँ पर आपको खुद ही आइडिया लगाना पड़ेगा कि किसका कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। अब एक हम क्या करते हैं, अब मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, अगेंस्ट द सन होता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि डायनामिक रेंज किस फोन की ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे बहुत तेज़ रोशनी आ रही है सन की, और मेरा चेहरा किस फोन में आपको ज़्यादा अच्छा दिख रहा है वो आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं वीडियो नहीं देख रहा। अब ये आपने डायनेमिक रेंज देख ली, थोड़ा सा हम घूम जाते हैं, एक बार पूरा 360 घूम जाते हैं और आपको ओवरऑल डायनेमिक रेंज का अंदाजा दिखा देते हैं दोनों फोन में कौन सा फोन ज़्यादा अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग डायनेमिक रेंज में कैप्चर कर पाएगा। इसके साथ साथ मैं अब थोड़ा सा तेज चलता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस फोन की जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो ज़्यादा अच्छी है। थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा हम तेज चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों फोन्स चल रहे हैं, तो इससे अब आपको इन दोनों फोन्स की इमेज स्टेबलाइजेशन का भी अंदाज़ा हो ही चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम फोटोज पे स्विच करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन से फोन की फोटो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। रियर कैमरा के बाद बारी आती है फ्रंट कैमरा की। रियर कैमरा क्या वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख चुके हैं और पिक्चर्स भी देख चुके हैं, पर मैं आपको बता दूं कि आप रियर कैमरा से लाइव वीडियो रिकॉर्ड करते समय जूम इन कर सकते हैं। हालांकि बैक साइड पर चार कैमरास दिए हैं जिसमें एक सेंसर अल्ट्रा वाइड फोटोज क्लिक करता है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं ला सकते। पर एनीवे, अब फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आप दोनों फोन्स के फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा डायनेमिक रेंज का भी इसका इफेक्ट दिखा देता हूँ। अगेंस्ट द सन खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कौन सा फ़ोन मेरे चेहरे को अच्छे से लाइट दे पा रहा है और बैक को भी कंट्रोल कर पा रहा है। और एक बार मैं 360 घूम के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आपको डायनेमिक रेंज का भी अंदाज़ा हो जाएगा। पीछे बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर भी आप लाइट देख सकते हैं, दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। और इस वीडियो के दौरान मैं दोनों फ़ोन्स की ऑडियो में भी जंबल कर रहा हूँ ताकि आपको इनकी माइक की क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो जाए। इसके साथ साथ मैं थोड़ा तेज़ चल के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इनकी इमेज स्टेबलाइजेशन का भी अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों फ़ोन्स जो हैं वो अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बेटर कौन सा है वो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स से मुझे लिख के बताएं। और आपको बता दूं कि जो ये वीडियो मैंने बनाया है ये मैं आप पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि आप इसके कैमरा क्वालिटी को देखिए और मुझे बताएं कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लग रहा है कैमरा के मामले में। और हमेशा की तरह आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो लाऊं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ।